हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसपी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। आज मैं आपसे एग्जेम्पशंस की बात करने वाला हूं। एसीसीए में क्या आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है? यस, डेफिनेटली। ऑन द बेसिस ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टिल नाउ यू आर एलिजिबल टू गेट सर्टेन एग्जेम्पशंस। तो मैं बताता हूँ कि कब आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है। सबसे पहले, अगर आपने बीकॉम करा हुआ है तो आपको बीकॉम के बेसिस पे नॉलेज लेवल के 3 पेपर और स्किल लेवल का 1 पेपर आपको एग्जेम्प्ट हो जाता है। नॉलेज लेवल के 3 पेपर जो आपको एग्जेम्प्ट होते हैं वो हैं अकाउंटिंग इन बिजनेस या बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी BT, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग FA, एंड 1 पेपर ऑफ स्किल लेवल दैट इज LW, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉस। सो ये 4 पेपर आपको एग्जेम्प्ट हो जाते हैं और आपको 13 पेपर में से सिर्फ 9 पेपर देने हैं, 5 स्किल लेवल के और 4 पेपर प्रोफेशनल लेवल के। अगर आप BBA ग्रेजुएट हैं तो आपको सिर्फ 1 पेपर की एग्जेम्प्शन मिलती है, दैट इज बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी BT, और पहले इसको अकाउंटिंग इन बिजनेस के नाम से जाना जाता था। अगर आप CA इंटर हैं या CIPCC पास आउट हैं तो आपको 5 पेपर की एग्जेम्प्शन मिलती है, दैट इज फर्स्ट 3 पेपर्स ऑफ नॉलेज लेवल जो अभी हमने बात करी। 1 पेपर आपको एग्जेम्प्ट होता है F6, दैट इज टैक्सेशन, और 1 पेपर एग्जेम्प्ट होता है आपको F8, जो कि है ऑडिट एंड इंश्योरेंस। और अगर आपने BCom प्लस CA इंटर या IPCC कंप्लीट कर रखा है तो उस केस में आपको 6 पेपर एग्जेम्प्शन मिल जाती है। पहले 4 पेपर जो BCom के बेसिस पे हमने डिस्कस करे, 1 F6 और 1 F8। और अगर आप क्वालिफाइड CA हैं, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फिर क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट हैं तो आपको 9 पेपर एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, यानी कि आपका नॉलेज लेवल पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, आपका स्किल लेवल पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है और आपको सिर्फ और सिर्फ 4 पेपर प्रोफेशनल लेवल के देने पड़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितना टाइम लगेगा, अगर आपको एग्जेम्प्शन मिलती है तो आपको कितने साल में या कितने महीनों में आपका ये ACCA क्वालिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा भी एग्जेम्पशन मिलती है आपको, जैसे MCom के बेसिस पे वही 4 पेपर एग्जेम्पशन मिलती है, कंपनी सेक्रेटरी के बेसिस पे पहले 4 पेपर ही एग्जेम्प्ट होते हैं। इस तरीके से आप अपने एग्जेम्पशंस को मैप करा सकते हो और इनका बेनिफिट ले सकते हो। और एक रजिस्टर्ड या अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर के थ्रू रजिस्टर कराने से आपको इनका एग्जेम्पशन फीस जो होता है वो भी नॉमिनल सा देना पड़ता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल फीस फॉर दोज एग्जाम्स। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 और चीजें मैं बताना चाहूंगा। जिन लोगों का CA फाइनल कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन उनके CA फाइनल में सब्जेक्ट्स में 40+ मार्क्स हैं, 40 या उससे ज्यादा मार्क्स हैं, तो उनको उन पेपर की एग्जेम्पशन मिल जाएगी अकॉर्डिंगली, तो दे कैन ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम 9 पेपर्स इन द एंटायर क्वालिफिकेशन। तो अगर CA फाइनल कंप्लीट नहीं हो तब भी उनको 9 पेपर का बेनिफिट मिल सकता है। इसी तरीके से CA इंटर में भी जिन लोगों का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन सब्जेक्ट्स में 40 या उससे ज्यादा मार्क्स हैं तो उन पेपर की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कि कुछ लोगों को एग्जेम्पशन नहीं पता चल पाती हैं, उनको स्टैंडर्ड एग्जेम्पशन नहीं मिलती हैं, तो उस केस में ACCA हैज ए वंडरफुल टूल जिसका लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा बाय द नेम ऑफ ACCA एग्जेम्पशंस कैलकुलेटर। आप वहां पे अपना क्वालिफिकेशन का डिटेल्स डाल के, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन डाल के, आपको ACCA विल कंफर्म हाउ मेनी पेपर एग्जेम्पशन यू विल गेट। ठीक है, और अगर इससे भी नहीं पता चले तो एक ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग प्रोवाइड करेंगे जहां पे आपको ये ईमेल भेज के आप पता कर सकते हो ACCA UK टीम से कि कितनी पेपर की आपको एग्जेम्पशन अलाउड है। तो ये दोस्तों एग्जेम्पशंस के बारे में रहा बात। मैं अगली वीडियो में आपसे कुछ और डिटेल शेयर करूंगा ACCA के बारे में। टिल देन, थैंक यू सो मच।